जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारा है हमारे देश का, हमारे देश की जनता का। लेकिन इसी जनता में से कुछ चुनिंदा लोग, गिने चुने लोग अगर भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं या फिर पाकिस्तान के पक्ष की बात करें, तो ऐसे में कोई अधिकारी उन चंद लोगों को, उपद्रवियों को डांट दे या उन्हें बोल दे कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है तो पाकिस्तान जाओ, तो ये बुरा नहीं है। किसी भी देशवासी को ये बात बुरी लगेगी कि हम देश में रहकर दूसरे देश को जिंदाबाद कह रहे हैं। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर आजकल मेरठ के एस्पेसिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एस्पेसिटी कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ। अब सवाल यह है कि पहले उस वीडियो को वायरल करने से पहले उसका सच जानना चाहिए। असल में ये वीडियो क्या है, कब का है और किस परिस्थितियों में, किन कारणों से एस्पीसीटी ने ये बात कही। इस वीडियो को जो पूरा वायरल हो रहा है उसको लेकर हमने पूरी छानबीन की, पूरी गहनता से देखा, जाना, लोगों से बात भी की। शहर के एस्पीसीटी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर ये हमारी खास खबर है। आपको बता दें, डॉक्टर एन सिंह ने लगातार शहर में अमन चैन कायम रखा हुआ है, लोगों से लगातार पीस मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। वो खबर हमने आपको लगातार दिखाई है, किस तरह शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं डॉक्टर एन सिंह। लेकिन वहीं एक अनावश्यक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को वायरल करने का मकसद अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि हमारे शहर मेरठ में पूरी तरह इस वक्त चैन अमन कायम है और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। शहर में इस समय, मतलब मैं अगर आज की बात करूं तो आज की डेट में मेरठ में बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट, जो कि एसपीसीटी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान जाओ को लेकर, हमारी खास रिपोर्ट। सर, ये कि एसपी सिटी साहब की और एक एडीएम सिटी साहब की वीडियो वायरल हो रही है, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ये एक वीक पुरानी वीडियो है, 20 तारीख की, और इसमें तथ्य ये है कि वहाँ भारत विरोधी और पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग पीएफआई और एसडीपीआई के पर्चे बांट रहे थे। इस सूचना पे एडीएम सिटी और एसपी सिटी मौके पे गए, वहाँ वीडियो से स्पष्ट है कि पूर्व में भी पथराव हो चुका था और इन्होंने जाके स्थिति संभाली और ये कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ उपद्रव न करें। 20 तारीख के दिन यहाँ स्थिति अत्यंत ही संवेदनशील थी, तभी सभी जगह पथराव हो रहे थे, कुछ आगजनी की भी घटनाएँ हुई थी। ये हो सकता था कि शब्दों का चयन सामान्य परिस्थितियों में इससे बेटर हो सकता था, लेकिन अधिकारियों ने पूरा संयम का परिचय दिया और किसी तरह की बदसलूकी जो अन्य लोग वहाँ खड़े थे तो उनके साथ नहीं की। और एक सप्ताह के बाद से इस तरह के वीडियो को चलाया जाना, विशेषकर जब कल शुक्रवार को सभी शांति रही, ऐसा लगता है कि ये भी एक साजिश का हिस्सा है ताकि स्थिति यहाँ सामान्य न होने पाए और आपसी कटुता बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो एक प्रण लिया है कि सभी लोग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य बनाए रखेंगे, ये इसको सफल नहीं होने देंगे, जिसका परिचय कल यहाँ की जनता ने, मेरठ की जनता ने दिया है। इसके अतिरिक्त पूरे मेरठ जोन में स्थिति पूर्णतः सामान्य और शांतिपूर्ण है। थैंक यू। एसपीसीटी के समर्थन में आए मेरठ वासी बोले, जिले को ऐसा ही अधिकारी की जरूरत है। मेरठ बीती रात शुक्रवार को एसपीसीटी डॉक्टर एन सिंह के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और नारेबाजों को एसपीसीटी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया इस समय मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। देश विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बल भाइयों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वालों को एसपीसीटी डॉक्टर एन सिंह इस समय मीडिया के साथ साथ विपक्ष के भी निशाने पर है। विपक्ष ने जिले के इस अधिकारी के माध्यम से
भाजपा सरकार को घेरने की पूरी पूरी कोशिश की है, जबकि मेरठ के लोग इस समय एसपी सिटी डॉक्टर एएन सिंह के पूरी तरह साथ हैं। आपको बता दें ये वही एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह हैं जो लगातार पीस मीटिंग कर रहे हैं पुलिस। जब उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान जाओ, उस समय एक मुस्लिम धर्म गुरु भी उनके साथ थे, कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं एसपी सिटी। बता दें एसपी सिटी डॉक्टर एन सिंह जिले में कई संवेदनशील मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पूर्व में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इन्हीं अधिकारी की बदौलत मेरठ में चैन अमन कायम रहा था। इस बार भी कई दिनों तक दिन रात जागकर एसपी सिटी डॉक्टर एएन सिंह ने शहर के हालातों पर काबू करने का विशेष विशेष प्रयास किया। कुछ लोगों की आंखों के किरकिरी बने हैं डॉक्टर एएन सिंह एसपी सिटी मेरठ डॉक्टर एएन सिंह कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए हैं, चाहे वे विपक्ष के लोग रहे हों या फिर खुद खाकी के भीतर छुपे कुछ विरोधी। कई मामलों में जब उनके शहर को झुलसने से बचाने की बात सामने आई तो विपक्ष और उनके जो खिलाफत के लोग हैं वो उन्होंने इस कुचक्र को रचा। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर बात कही जा रही है, क्या उस टाइम कहा था और क्या वाक्य क्या था? ये लिसाड़ी चौकला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हमें और रेडियम सिटी थे कुछ फोर्स हमारे साथ था कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे, उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था। तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। तो उसे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदा बहुत बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान के ले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। मुकदमा उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो मतलब ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा है उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग अगर देखा जाए? मैच्योर थे क्या? अरे होंगे 18-20-22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। सर जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों का काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। अच्छा सर, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसके अंदर